नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको अवैध बालू खनन केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी देर रात उनसे करीब 8 घंटे हुई पूछताछ के बाद जालंधर से हुई है। चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी के घर पर करीब 2 हफ्ते पहले ईडी ने छापेमारी भी की थी। हनी के 2 सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापे पड़े थे। तीनों के घर से बरामद कैश के बारे में ईडी पूछताछ करना चाहती है। बता दें कि छापेमारी में हनी के घर से करीब 7.9 करोड़ रुपए कैश मिला था। वहीं हनी के सहयोगी संदीप कुमार के ठिकाने से 2 करोड़ रुपए मिले थे। भूपेंद्र सिंह हनी और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई और उन पर बालू के अवैध खनन में भी शामिल होने का आरोप है। ईडी ने खुलासा किया था कि भूपेंद्र सिंह हनी, कुदरत दीप सिंह और संदीप कुमार प्रोवाइडर्स ओवरसीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। इस कंपनी को साल 2018 में बनाया गया था। ये काम कुदरत सिंह दीप ने किया था, जिसके खिलाफ अवैध खनन मामले में FIR दर्ज होने के 6 महीने बाद किया गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून की तरफ से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज चमोली में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि आज भी मौसम विभाग की सटीक चेतावनी के रूप में दिनभर बारिश और बर्फबारी जारी है। हालात ये हैं कि बर्फबारी अब निचले इलाकों में भी पसर रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनहित में ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी हेमंत वर्मा ने बताया कि जिले में संभावित बारिश बर्फबारी को देखते हुए आम जनमानस को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार कांग्रेस प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने नगर निगम के 4 निर्दलीय पार्षदों और 2 BJP के पूर्व सभासदों को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई है। पार्षदों और सभासदों के कांग्रेस में आने से कांग्रेस में मजबूती होनी तय है। वहीं पार्षदों का दावा है कि वो जी जान से मेहनत कर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। बता दें कि कांग्रेस भवन में पार्षदों और पूर्व सभासद को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवान और खुद कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमूला पहुंचे। कांग्रेस की सदस्यता दिलवाने के बाद मौके पर समर्थकों ने जोर शोर से कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। देखिए, कांग्रेस की पूरे प्रदेश के अंदर लहर है और आपने देखा होगा जिस दिन से आदरणीय सजवान जी का आशीर्वाद मुझको मिला, उस दिन से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घर घर से लोगों ने एक आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, ऋषिकेश में जो 15 साल का सूखा पड़ा था, जो 15 साल का विकास ठप पड़ा था, जो 2007 में चढ़ते हुए विकास को जो इन्होंने रोकने का काम किया था, पहिए को रोकने का काम, अब ऋषिकेश की जनता ने मन बनाकर इस बार विकास को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस की ओर आकर्षित होने का काम किया। आज हमारे साथ पार्षद, पूर्व पार्षद और तमाम नेतागण, भाजपा के नेतागणों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी और किसी भी शर्त नहीं, उन्होंने कहा हम विकास के साथ हैं, उन्होंने कहा हम युवा प्रत्याशी के साथ, उन्होंने कहा हम अनुभवी व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सजवान जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में तमाम पार्षद और नेताओं ने, पूर्व पार्षदों और नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन करी। अभी धीरे धीरे करके अन्य वर्ग के लोग भी कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं और जल्दी आपको दिखाते रहेंगे डे बाय डे कौन कौन लोग ज्वाइन होगा। धीरे धीरे करके भाजपा के रीति नीति से तंग आकर लोग और ऋषिकेश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, जब देखिए जब परिवार बढ़ता है तो उम्मीदें भी बढ़ती है और जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती है। पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में 2 वर्ष पहले जनता ने मन बना लिया था अब की बार हम प्रेमचंद जी से विदाई लेंगे या उनको विदाई करेंगे और उनके विकल्प के रूप में जो भी दिखेगा, उनको सुरवीर सिंह सजवान दिख रहे थे, अब उनको कांग्रेस के प्रत्याशी जयेंद्र रमूला दिख रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस की विजय होगी ये मैं कह सकता हूँ। एक एक कार्यकर्ता जो मेरे साथ वर्षों से जुड़ा था वो आज कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, क्योंकि तब भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ थे और आज भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हैं, अपना आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशी को देंगे और निसंदेह हमारी विजय होगी।
और हम विजय पताका फहराएंगे और ये कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सामान्य विधानसभा चुनाव 2022 को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए चमोली के बद्रीनाथ विधानसभा के अंतर्गत थाना पोखरी पुलिस ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए थाना अध्यक्ष ध्वजवीर सिंह पंवार के नेतृत्व में पोखरी के दो अलग अलग राजस्व क्षेत्रों के निवासी दो लोगों को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई की और चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर सख्त हिदायतों के साथ छोड़ दिया गया। उन्हें आने वाले 2 महीनों तक जिले में प्रवेश से वर्जित भी किया गया है। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि अगर नया पंजाब बनाना है तो यह मुख्यमंत्री के हाथ में है। इस बार समर्थकों को मुख्यमंत्री चुनना है। शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनके इशारों पर काम कर सके। सिद्धू ने समर्थकों से पूछा कि क्या आप ऐसा सीएम चाहते हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू का यह पार्टी आलाकमान पर हमला है। वो अपने बयान और समर्थकों के जरिए सीएम फेस के लिए दबाव बनाते दिख रहे हैं और राज्य में सीएम फेस के ऐलान से पहले ही अपने तेवर दिखा रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब सिद्धू ने अपना तेवर दिखाया है और आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। इससे पहले सिद्धू ने ऐसी राजनीति करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटवाया था। फिर वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। इसके बाद नई सरकार में कई नियुक्तियों में सिद्धू का हस्तक्षेप माना जाता रहा है। मैंने तुम्हें एक गल कहनी है भाई, जे ते नवा पंजाब सजना है मुख्यमंत्रियों के हाथ हुंदा, जह जा मुख्यमंत्री हो जा सूबा हो जू। आ दो मुख्यमंत्रियों ने बेड़ी भाती 25-30 साल पंजाब की। ऐसी मुख्यमंत्री तुसी चुनना भाई, जे तो एक ईमानदार उत्ते बहा दोगे तो ईमानदारी थले तक जाएगी, तो जे उत्ते चोर बहा दा देगा। याद रखियो मेरी गल, मैं तुम्हें याद रख लीवन कूने मच्छी मार्केट उन्हें दुनिया की सब तो वड्डी इकोनॉमी बना दी सिंगापुर। उन्हें कहने गया करप्शन किमें दूर करेगा, कहना पनिश पीपल एट द टॉप। कहना उत्ते बैठे वो डंगूंगा मैं, पूरा मिनिस्टर तीजे भी नहीं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ना छुट्टी मना चलिया गया, एयरपोर्ट के उत्ते मंत्रालय लाया और जेल च फोके। इन दिनों लोगों में पुष्पा द राइज फिल्म का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक आईपीएस अधिकारी का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लाल चंदन तस्कर के पकड़े जाने के बाद आईपीएस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि रियल लाइफ में पुष्पा झुकेगा भी और धरा भी जाएगा। यूजर्स ने इस ट्वीट पर रिएक्ट किया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी के शामली जिले के एसपी सुकीर्ति माधव मिश्रा की। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा रियल लाइफ में पुष्पा झुकेगा नहीं, जबकि रियल लाइफ में अब पुष्पा झुकेगा भी और धरा भी जाएगा। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने लाल चंदन की तस्करी में शामिल तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म से प्रेरित बताए गए हैं। तस्करों ने अपने ट्रक में लाल चंदन तो रखा ही था, लेकिन इसके अलावा कई फल के डिब्बे भी ऊपर रख दिए थे। ट्रक के ऊपर एक कोरोना आवश्यक उत्पादों का स्टीकर भी लगा दिया गया, यानी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की पूरी तैयारी थी। लेकिन पुलिस को पहले ही इनपुट मिल गया था। ऐसे में नाकाबंदी कर ट्रक को जब्त कर लिया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुणे में यरवड़ा के शास्त्री नगर इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई और 3 घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार निर्माणाधीन इमारत गिरने की यह घटना गुरुवार देर रात करीब 11:45 पर हुई। मॉल के निर्माण कार्य के स्टील वर्क का काम जारी था, तभी अचानक से लोहे की सरिये का एक जाल मजदूरों पर गिर गया जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। अभी इमारत के गिरने के कारणों का पता नहीं लगा पाया जा चुका है। पुलिस जाँच में जुटी है। प्राथमिक जाँच में सामने आया है कि काम के दौरान कॉन्ट्रैक्टर ने किसी भी प्रकार की सावधानियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं देश में गुरुवार को 1.49 लाख नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2.46 लाख लोग ठीक हुए जबकि 1,072 लोगों की मौत हुई है।
इससे एक दिन पहले बुधवार को 1.72 लाख केस मिले थे। पिछले दिन के मुकाबले 23,039 कम नए संक्रमित मिले हैं, यानी 13.36% कम नए केस मिले हैं। तीसरी लहर में पहली बार नए 1.5 लाख से कम केस मिले हैं। 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3.47 लाख नए केस मिले थे। 20 जनवरी के बाद से कोरोना केस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल देश में कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 14.35 लाख है। पिछले दिन के मुकाबले एक्टिव केस की संख्या में करीब 99,675 की कमी देखी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे राहुल गांधी ने साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया। साथ ही महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने के लिए नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला भी रखी है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में पीएम मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी अमीरी और गरीबी में बांटकर देश को खतरे की ओर ले जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा 100 अमीरों के पास देश की 40% आबादी से ज्यादा पैसा है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा कि श्रमिकों को मिलने वाले 6,000 रुपए कम हैं, इसको भूपेश जी बढ़ा दीजिए। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश ने बढ़ाने की बात कही। राहुल गांधी ने भूपेश सरकार के कार्यों को सराहते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का स्वाद और उत्पाद विदेशों तक पहुंचाएंगे। इसके पहले राहुल गांधी बस से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से मंत्रिमंडल के साथ चर्चा करते कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। राहुल गांधी ने बस्तर में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर लोगों की खुशहाली की कामना भी की। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज अमरोहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। दोपहर 2 बजे वो अमरोहा पहुंचेंगी, जहां पर मुरादाबाद मंडल की 27 विधानसभा प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट करने की अपील करेंगी। वहीं मायावती की रैली को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। मथुरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का मथुरा टाउनशिप में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अब की बार मथुरा विधानसभा और उत्तर प्रदेश को शिक्षा और रोजगार देंगे। साथ ही 84 कोस की परिक्रमा को लेकर उन्होंने कहा कि जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनके लिए रुकने के लिए उत्तम व्यवस्था की जा रही है। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे माफियाओं का राज रहा है, पर अब की बार योगी जी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार में सबका सम्मान सबका विकास करने का काम किया गया और ऐसा ही काम हम करते रहेंगे। और भरोसा मेरा और मजबूत होता है कि श्रीकांत शर्मा बहुत काम किया है और बहुत काम करेंगे। पहली बार आपको काम करने वाला मंत्री मिला है आपका भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई। अब तक काम करने वाले लोगों की कमी रही है, राजनीति ज्यादा होती रही और तुम्हारे भाई से आपके भाई को राजनीति नहीं आती। आपके चार चार मंत्री बन गए यहाँ जब को चुनाए भाई, और लेकिन एक मंत्री ने हमारे बहुत कर कुछ कर दिया। आपके भाई को राजनीति नहीं आती, आपके भाई को ब्रज की विकास नीति आती है। कहाँ है विकास नीति? और विकास नीति कोई कर दो ना हो, राजनीति ज्यादा कर दे। और अब मैं इतनी अपील करूंगा कि सब लोग काम में जुट जाओ, जहां जहां प्रचार कर सके वहां प्रचार करो, खाली मत बैठो। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि फायरिंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। हमले की वजह विशेष धर्म पर टिप्पणी बताई जा रही है। माननीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर पे धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत धार थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से दोनों के पास से एक एक अवैध असलाह तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है।
अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है, मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं जो इस घटना का स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जैसे ही और भी कोई लाभप्रद सूचना होगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के दोनों आरोपी सचिन पंडित और शुभम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हमले का आरोपी सचिन पंडित ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना का रहने वाला है। दुर्याई गांव के रहने वाले सचिन के पिता विनोद पंडित प्राइवेट कंपनियों में ठेकेदार हैं। सचिन लॉ का स्टूडेंट रहा है। आरोपी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की हुई थी जिसकी स्लिप सचिन ने सोशल मीडिया पर डाली हुई है। सचिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सांसद महेश शर्मा सहित कई बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रही है। वहीं दूसरा आरोपी शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। शुभम 10वीं पास है और खेती करता है। पुलिस की अब तक की जांच में शुभम का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं निकलता है। पूछताछ में शुभम और सचिन ने बताया कि ये दोनों ओवैसी और उनके छोटे भाई के बयानों से बेहद नाराज थे। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये ओवैसी भाइयों के भाषण सुनते थे और उनसे बेहद नफरत करते थे। दोनों के पास से कंट्री मेड मुंगेर टाइप पिस्टल बरामद हुई है जो इन्होंने हाल ही में किसी से खरीदी थी। एक दो लोगों के नाम सामने आए हैं जिनसे इन्होंने हथियार खरीदे थे, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा गुरुवार को लोकसभा में अपनी पूरी रौ में नजर आई। महुआ मोइत्रा ने संसद में सरकार को सावरकर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर घेरा और पेगासस के मसले पर कटघरे में खड़ा कर दिया। लोकसभा में बोलते समय महुआ मोइत्रा गुस्से में नजर आई तो इस दौरान उन्हें आसन की ओर से भी टोका गया। आसन की ओर से कहा गया कि महुआ जी प्यार से बोले। आसन की ओर से टोके जाने पर महुआ मोइत्रा भड़क गई। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर इस पर कहा है कि मेरे कीमती समय में बाधा डालने वाला चेयर कौन होता है? मैं गुस्से से बोलूं या प्यार से, यह आपका काम नहीं है। आप मुझे केवल नियमों पर ही करेक्ट कर सकते हैं। आप लोकसभा के लिए मोरल साइंस के टीचर नहीं हो। इससे पहले संसद में महुआ मोइत्रा ने सरकार पर हमला बोला, सरकार पर विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया और साथ ही पेगासस के मसले पर भी घेरा। महुआ ने कहा कि दुनिया भर की वो सभी सरकारें झूठी हैं जो पेगासस मसले की जांच करा रही हैं, केवल ये सरकार ही सच्ची है जो आइसोलेशन में पड़ी है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि सरकार इतिहास को फिल्टर करने की कोशिश कर रही है। Freedom Index 2020, measuring personal, civic and economic freedoms, puts India at 111th spot out of 160. You fear a future India which is comfortable in its own skin. What do I mean by this? You fear an India which is comfortable जी, with embracing... महुआ जी थोड़ा सा प्रेम से बोलिए, इतना गुस्सा नहीं करिए, अच्छा से बोलिए। हाँ, अच्छा से बोलिए। Which is comfortable? हाँ। आप कह रहे हैं प्रेम से बोलने पर रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता हम आपको बोल दे। सहनशीलता क्षमता सहनशीलता क्षमा दया को तब पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो सहनशीलता क्षमा सब देंगे पर पीछे थोड़ा तो बल का दर्प होना भी चाहिए। बिजनौर चुनाव में गुरु शिष्य आमने सामने चुनावी मैदान में है। बिजनौर के धामपुर विधानसभा सीट पर इस समय अजीबोगरीब माहौल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने जहां अपने पुराने नेता ठाकुर मूलचंद का टिकट काटकर नूरपुर विधानसभा के मौजूदा विधायक नईम उल हसन को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं मूलचंद अब साइकिल छोड़ हाथी पर सवार हो गए। समाजवादी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है ठाकुर मूलचंद चौहान उनके राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। धामपुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। वहीं बसपा प्रत्याशी ठाकुर मूलचंद का साफ तौर से कहना है कि सपा के सच्चे सिपाही होने के साथ ही अपनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इनका दावा है कि इस बार किसी से मेरा कोई मुकाबला नहीं है और मैं भारी मतों से जीत हासिल कर विधायक बनूंगा। उन्नीस सौ 1993 से जब पार्टी बनी थी
तभी से मैं पार्टी में रहकर पार्टी का काम किया और लगभग 27-28 वर्ष तक समाजवादी पार्टी की सेवा करके और 3 बार मैं विधायक बना अपने धामपुर विधानसभा क्षेत्र से, और जब सरकार बनी तो 2 बार मैं मंत्री भी बना। आदरणीय नेताजी बीमार रहने लगे, उनसे मुलाकात भी होती थी, बुजुर्ग हो गए। मेरा अपना टिकट में मानना था कि मेरा टिकट तो फाइनल रहेगा, चंद लोगों ने गुमराह करके मेरा टिकट कटवाने का काम किया और मेरा टिकट कटवाकर 2000 उपचुनाव में उपचुनाव हुआ नूरपुर का, उसमें मैंने दिन रात मेहनत करके विधायक बनाया और बराबर पार्टी के लिए संघर्ष करता रहा। वही फरखाबाद में जन अधिकार पार्टी कार्यालय पर पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जन अधिकार पार्टी के चारों प्रत्याशियों को दमदारी के साथ चुनाव लड़ाने का संकल्प लिया। साथ ही जन अधिकार पार्टी के अमृतपुर और भोजपुर कायमगंज के सदर के प्रत्याशी के भारी मतों से जीत दिलाने की बात कही है। जौनपुर में लिलहा पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में अंतर जनपदीय 25,000 के नामी बदमाश के पैर में गोली मार दी। वहीं उसका साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की बोलेरो, मोबाइल और नकदी बरामद की है। चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा एक वाहन चेकिंग का विशेष अभियान चलाया गया। ये वाहन चेकिंग संयुक्त अभियान था जिसमें स्वात प्रभारी, सतनास प्रभारी और कोरा क्षेत्र के थाना अध्यक्ष वो भी शामिल थे प्रभारी उसमें। जब एक बुलेरो रात को आता दिखाई दिया, उनके रोकने पे जो वाहन स्वामी था वो फायर करता हुआ पुलिस पार्टी पर खेतों की तरफ भागा। जब आभी फायर में वो घायल हो गया, जिसको कि प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया है। थाना अध्यक्ष गौरा बादशाह को भी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। ये बहुत साथी ही बदमाश है, ये आजमगढ़ का रहने वाला है। इसके ऊपर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे हैं और ये वाहन चोरी का साथी अपराधी है। ये आजमगढ़ से यहाँ आया है, आया करता था और इसके खिलाफ कई मुकदमे जनपद जौनपुर में, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत है। इसके खिलाफ 25,000 का इनाम भी है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा टीम की पूरी पूरी प्रशंसा की गई है। इसके पास से एक बुलेरो वाहन चोरी का, एक मोबाइल, कुछ पैसे, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है। वहीं कन्नौज में युवक की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक शौच करने गया था, खेत में खून से लथपथ उसका शव मिला है। वहीं धारदार हथियार से युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। युवक इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कठेला गांव का रहने वाला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।